अच्छा भाई, आज मैच था पाकिस्तान और इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड, दोनों अनबीटन टीम्स थी। इमाद आपसे स्टार्ट करूंगा, ऐसा लग रहा था ना कि दो अनबीटन टीम्स खेल रही हैं आज काफी अच्छा। न्यूजीलैंड ने इंडिया ने टॉस जीता, न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग कराई, शायद इसलिए कि इंडिया अच्छा चेस कर लेती है। न्यूजीलैंड ने जो था वो एक मॉडेस्ट अच्छा और ना बुरा स्कोर किया, 273 रन स्कोर किए 50 ओवर में। इंडिया ने अच्छी बॉलिंग कराई, बॉलिंग पे भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप ये बताइए कि जब दो स्ट्रॉन्ग टीम्स और अनबीटेड टीम्स खेल रही होती हैं तो स्कोर कम भी बना मगर तब भी 48 ओवर तक बात पहुंची। नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसी ही बात है, क्योंकि जब दो अच्छी टीमें खेल रही होती हैं, चाहे मॉडेस्ट स्कोर हो चाहे बिलो एवरेज हो बिलो पार हो, वो फाइट करती हैं। और न्यूजीलैंड की सबसे बड़ी चीज़ खूबसूरती है कि वो कैलकुलेटेड क्रिकेट खेलते हैं, और जिस कैलकुलेशन से उन्होंने किया, आज अगर जो डिफरेंस था वो एक ही प्लेयर था विराट कोहली दोनों टीमों में, और इसीलिए हम उसे कहते हैं कि चेज हो या पहले बारी हो, इज द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड बाय फार, और नथिंग अगेंस्ट एनी अदर प्लेयर, बट सो फार उसने इतनी बार कर चुका है कि अब डिबेट खत्म हो जाएगा, इस बारे में डिबेट भी नहीं कर सकते, ये डिबेट ही नहीं हो सकती आपके। विराट कोहली इज प्रोबेबली द फाइनेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड राइट इन दिस एरा, ऐसा ही दिस एरा। आमिर भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, बेंच की बात करेंगे इंडिया की, इंडिया की बेंच में बड़े बड़े प्लेयर्स बैठे हुए, आज इन्होंने बेंच से एक प्लेयर को उठाया मोहम्मद शमी को और टीम में डाला, और मोहम्मद शमी ने 10 ओवर में सिर्फ 54 रन देकर 5 विकेट हासिल कर लिए, ऐसा लगा ही नहीं कि वो लड़का कभी बेंच पे बैठा हुआ था। ऐसा कैसे होता है? ऐसा ऐसे होता है कि जब बुमराह इंजर्ड थे हाँ, तो शमी खेल रहे थे, कंसिस्टेंट उन्होंने उनको खिलाया, तैयार किया, सिराज और एक शमी की उन्होंने एक जोड़ी बना ली, खेलते गए बीच में वो शार्दुल को खिलाते रहे, पांड्या बीच में आता रहा, उनको पता था कि जैसे ही बुमराह आएगा बुमराह हमारी फर्स्ट चॉइस होएगा, लेकिन जो बेंच पे होगा उसका इतना एक्सपीरियंस हुआ होगा, वो खेला होगा कि उसको कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। वेरी नाइस। और वो जैसे शमी आए तो उन्होंने दिखाया कि फर्क नहीं पड़ता, जो अच्छा बॉलर होता है अच्छा वो चाहे 6 महीने बाद खेले 8 महीने के बाद खेले, जब वो फिट होता है क्रिकेट खेल के आता है वो डिलीवर करता है, और शमी लगा ही नहीं कि वो पहला मैच खेल रहा था। सही कह रहे हैं। तो ये डिफरेंस है टीमें तैयार कैसे की जाती हैं, और यही इंग्लैंड इंडिया ऑस्ट्रेलिया का जो बाकी बोर्ड से या क्रिकेट टीम से डिफरेंस है ना वो यही है। तो अपने आप देखें कि जो भी कोई थोड़ी सी हल्की सीरीज आती है वो बड़े प्लेयर्स को नहीं खिलाते थे, वो हमेशा इसी तरह शरिया सैयर हो गया, सूर्या कुमार यादव, ईशान किशन, और उन्होंने हमारा अपना बेंच जो है ना ऐसे स्ट्रॉन्ग किया हुआ है। तो अभी जैसे आज सूर्या भी आए थे, वो लगा भी नहीं था कि वो पहला मैच खेल रहा है, वो अलग ही रन आउट हो गए, लेकिन वो इतने कॉन्फिडेंस से खेल रहा था। अच्छा, यही मैं पाकिस्तान की तरफ लेकर आऊंगा इस पूरी सिचुएशन को, हमारी बेंच पे उसामा मीर बैठे हुए थे, जब उसामा मीर को टीम में शामिल किया गया तो अक्सर लोगों ने ये कहा, आपसे पूछूंगा रजाक भाई, कि उसामा मीर मैच खिला दिया है ताकि बुरा परफॉर्म करे ताकि शादाब वापस आ जाए, कॉन्ट्रोवर्सी सी आवाज आई मुझे इंटरनेट के ऊपर, तो हम ये कि सही है आज शमी ने भी इतना मुश्किल मैच खेला न्यूजीलैंड के अगेंस्ट तब 5 विकेट ली, तो हमारी बेंच का लड़का उस लेवल का क्यों नहीं होता जो प्लेइंग 11 में खेल रहे होते हैं? देखिए, सबसे पहले टीम का माहौल बड़ा जरूरी होता है हाँ। और टीम जब जीत रही होती है परफॉर्म कर रहे होते हैं और सब प्लेयर को लगता है कि जी मैनेजमेंट हमारे साथ सिंसियर है, ठीक, और प्लेयर को फील होता है कि यार कि मेरे साथ कुछ ज्यादा नहीं हो सकती, क्योंकि बुमराह अगर खेल रहे हैं तो शमी बार बैठे हुए तो उसका ये नहीं मतलब कि शमी बार बैठे ही बैठे वो अंडर प्रेशर हो जाए, अपना कॉन्फिडेंस लेवल लो कर दे, तो उनमें ये चीज़ पाई नहीं जाती, ये उनका सिस्टम का हिस्सा है हाँ। हमने भी सिस्टम के हिस्से को चेंज करना है, जब तक ये सोच चेंज नहीं करेंगे तो कैसे प्लेयर बनेंगे मुझे बताएं। ठीक जी, ये बेंच की जो बात हो रही है, आपसे मैं एक सवाल करता हूँ, हाउ मेनी मैचेस हमारे बेंच स्ट्रेंथ में खेले? यस, कौन सा एक्सपीरियंस जहाँ पे राइट टाइम था उसामा को खिलाने का, वो उसको खिलाया नहीं। देखिए, उसामा ने कोई 50 वनडे तो नहीं खेले, नहीं खेले, या उसने जमान ने नहीं खेले, इनकी आप देखें शमी के 50 या 100 150 वनडे होंगे, नेपाल के अगेंस्ट हमारी फुल स्ट्रेंथ खेल रही थी, इसीलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस का कोई नेमो बदल नहीं। इसका ये है जवाब, सीधा सी बात है, पहला वाला जवाब सीधा नहीं था, पहला भी सही था, वो अच्छा समझ नहीं आई, बड़ी सीरियस डिस्कशन हो रही है, जो क्रिकेट वाला सवाल जवाब होता है ना, आपको समझ नहीं आती। सही है, तो इसका सही जवाब ये है कि जो बेंच पे लोग बैठे होते हैं प्लेयर्स, वो मेहनत नहीं करते, क्योंकि मेहनत नहीं करते उनको पता है हम नहीं भी खेलेंगे ना तो हमें 50% पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, तो ये एक बड़ा सेटबैक है, और बड़े खुश रहते हैं, हम जब नहीं खेलते तो हमें रात को नींद नहीं आती कि हमने खेलना है हाँ। खेलने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, आपको फील्डिंग करनी पड़ती है, बॉलिंग करनी पड़ती है, एक्स्ट्रा करनी पड़ती है हाँ। तो तब जाके आपकी जगह बनती है। आमिर कुछ ऐड करेंगे क्या? मैं इस तरह ऐड करूंगा, देखिए हमारे लड़का जब खेलने आता है ना, जो रिप्लेसमेंट में आता है, उसको फील ऐसा ही करवाया जाता है कि ये अगर करेगा तो अगला मैच खेलेगा,
वो क्यों के क्योंकि उसको इतने चांसेस दिए नहीं होते, तो वो हर मैच वो ऐसे ही आता कि उसने प्रूव करना है आखिरी मैच खेल लिया, कहीं ना कहीं उसका लो होता है कॉन्फिडेंस। आमिर इसका ये होता है कि आपके सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, सिस्टम में प्रॉब्लम है ना, आपकी में प्रॉब्लम, आपको आपने टीम तैयार नहीं की उस तरह। तो ये भाई सिस्टम में प्रॉब्लम है, इतनी मैनेजमेंट चेंज हो चुकी है, इतने कप्तान आके जा चुके हैं, इतनी चीजें चेंज होती रहती हैं पाकिस्तान में, हुकूमतें ये वो सब, नथिंग टू डू विद टॉप मैनेजमेंट चेंज हो रही है कि नहीं हो रही है, ये कैप्टन और आपका कोच जो मैनेजमेंट होता है, कोच एंड सीनियर प्लेयर्स, उन्होंने टीम कैसे टीम बनाते हैं अपने चार साल। लेकिन इमाद भाई इसी पे तो सवाल पूछ रहा था कि आपने खुद खेला हुआ है, आपने खेला है, जो सिचुएशन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, जो आप लोगों का क्रिटिसिज्म है या हमारा जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पे एनालिसिस है वो सेम ही है। मैं जब से 20 साल 25 साल से क्रिकेट देख रहा हूं कि बेंच स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती, मैं कभी भी पाकिस्तान टीम या किसी टीम में क्रिटिसाइज नहीं करता। आप फैक्ट्स बताते, मैं एक फैक्ट बताता हूं कि ये फैक्ट है, इसको रेक्टिफाई करो, ये एरर है, ये मिस्टेक है। मैं अगर टीम में भी होता हूं मैं एग्जैक्ट यही रेक्टिफाई करने की कोशिश करता हूं, अपनी क्रिकेट में भी और लड़कों की भी क्रिकेट में भी। तभी आप टीम में नहीं होते। एग्जैक्टली सही है भाई। पाकिस्तान अफगानिस्तान के मैच पे बात करेंगे जो कल होने वाला है,